अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, आप भगवान को नहीं मानते हो, आप गुरु को नहीं मानते हो, आप धर्मों को फॉलो नहीं करते हो, आप धार्मिक क्रिया नहीं करते हो। ये लोक संज्ञा है, क्या है? और समाज तो लोक संज्ञा से बना हुआ है। हमको खुद को अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, अगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो। कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी, अभी आप अकेले आध्यात्म विज्ञान की बात करेंगे और इतने सारे लोग तो ये बात नहीं करते हैं, तो फिर कैसे लोगों को ये विज्ञान समझ में आएगा? मैंने कहा, संख्या की जरूरत नहीं होती है, राम अकेला ही काफी होता है। बोलते नहीं हैं कि 100-100 राम होते हैं। जब राम थे तब 100 थे, जब कृष्ण थे तब भी, और जब महावीर थे तब भी, तो उसमें 100-100 की जरूरत है, हजारों की जरूरत है? एक ही होता है, क्रांतिकारी। बाकी सब लोग उसको अपने फॉलो करते हैं, आप समझे ना। हर व्यक्ति को कैसे होगा? तो जो बिगिनर होता है वो एक ही होता है। और दादा भगवान ने अकरा विज्ञान की बात कहा तो वो अकेले ही थे ना, अकेले ही थे ना। बाद में लोगों ने रिस्पॉन्स दिया ना, तो इसीलिए अकेला है वो समझने की जरूरत नहीं है, अकेले ही होते हैं। ये कोई नई बात? तो लोग मेरे को ऐसा बोलते, प्रश्न करते हैं, वो कहते कि अकेले आदमी क्या कर सकते हैं। मैंने बोला, अकेला आदमी क्या नहीं कर सकता है, जिसने भी किया है वो सब अकेले ही थे। तो ये कभी क्या, लोगों की सोच बहुत लिमिटेड होती है ना, तो नहीं मालूम होता है ना उनको। समर्थ पुरुष को संख्या की कीमत नहीं है, क्योंकि उनको खुद को खुद के ऊपर विश्वास है। फिर लोग आए या ना आए वो उनका उदय कर्म है, मगर खुद को खुद के ऊपर विश्वास है तभी तो उसकी भाषा में पावर होता है। क्या होता है? संख्या के आधार से पावर नहीं है, अनुभव के आधार से पावर है। क्या बताया? कृष्ण और अर्जुन दो ही थे ने, तो क्या कृष्ण की बात में पावर नहीं था? कृष्ण की बात में पावर था कि नहीं? तो वहां संख्या थी, वहां सामने संख्या थी, अर्जुन अकेला था ने, मगर उनको उनकी बात में विश्वास था, तभी उसकी बात उसकी जबान में क्या था? पावर था। तो ये खुद को खुद के ऊपर विश्वास होना, ये बहुत बड़ी बात है। आज ये विश्वास की बहुत कमी है, खुद को खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है। कल क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, लोग मेरे को नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, समाज में लोग नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि खुद को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। मैं तो बचपन से इस प्रकार से जीता हूं, मैंने कभी परिवार को या धर्म को, मेरे साथ लोग आए ऐसा कभी सोचा ही नहीं है मैंने, बचपन से आज तक। मैं छोटा था तब से भी मैं धार्मिक किताबें पढ़ता था, साधु संत सन्यासियों को मिलता था, अकेला जाके मिलता था। मेरे को कभी मैं अकेला हूं ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद समर्थ हूं। क्या बताया? इसमें संख्या की जरूरत नहीं है। तो खुद को खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। महावीर भी जंगल में घूमते थे, वो अकेले थे या परिवार के साथ थे? जब वो छद्मस्त अवस्था में थे तो अकेले थे या परिवार के साथ घूमते थे? तो उन्होंने को लगा कि मैं अकेला हूं क्या करूंगा,
मैं तीर्थंकर हूं मगर अकेला हूं तो क्या कर सकता हूं, ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं होता है। खुद को खुद के ऊपर विश्वास, ये बड़ी कैपिटल है। इसको कहते रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिलेटिव के अंदर तो टेम्पररी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मेरे पास 25 करोड़ है तो मेरा जीवन चलेगा, मेरे पास दो चार मकान है तो मेरा जीवन चलेगा, मेरे पास परिवार है जीवन चलेगा, मेरे पास नौकर चाकर है तो जीवन चलेगा। मगर वो आपका कॉन्फिडेंस वो आधारित है, क्या है? आधारित है। आज है और कल, खुद को खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये तो रिलेटिव कॉन्फिडेंस है, कभी भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। ये पाप पुण्य का फल है साहब। क्या है? आज राजा है, कल जेल में जाएगा, पुण्य खत्म हो गया है। समझ में आया? कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बड़े बड़े धार्मिक लीडर को भी जेल में जाना पड़ता है, तो ये कोई नई बात है? तो क्या ये कोई शाश्वत बात है? क्या इसके आधार से हम आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आज ये और कल नहीं होगा। आज इतने लोग आए, कल दूसरे लोग आ सकते हैं, इसमें से 50% नहीं भी आएंगे, तो ये कोई नई बात है? वो तो ऐसा होता ही रहेगा, ऐसा होता ही रहेगा। और इसीलिए सबसे बड़ी बात ये होती है, खुद को खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मैं हूं तब दुनिया है, मैं नहीं हूं तो दुनिया है ही नहीं। तो दुनिया के ऊपर मैं आधारित हूं या मेरे ऊपर दुनिया आधारित है? जहां कोई मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं है, वो जगह की वैल्यू क्या है? तो मेरे आधार से वैल्यू कि उनके आधार से मेरी वैल्यू है? ये उल्टा ज्ञान हो गया। मेरे आधार से डायमंड की वैल्यू है कि डायमंड के आधार से मेरी वैल्यू है? डायमंड तो बहुत बड़े है क्वारी के अंदर, लोग जानते भी नहीं है क्या वैल्यू है उसकी। जब मनुष्य के संपर्क में आएगा तभी उसकी वैल्यू होगी, तो वैल्यू करने वाले कौन है? हम है। तो हमारी वैल्यू उससे कम होगी कि ज्यादा होगी? मगर हम तो उनकी वैल्यू करते हैं। तो ये अज्ञानता है, आप समझे ना? और ये सब अवस्थाओं के ऊपर अधीन है। क्या है? पहले जमाने में पानी की परब थी, आज पानी पैसे से लेना पड़ता है। पहले दूध छाछ लोगों को मुफ्त मिलता था गांव में, आज सबका पैसा देना पड़ता है। ये संजोग की बात है। क्या है? वैल्यू करने वाले हम हैं, तो उनकी वैल्यू हमारे से ज्यादा। और दुनिया की हर चीज, हर साधन हमको जीवन जीने में सहायक है। क्या बताया? वो हमारे से बड़े नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन जीने में वो क्या है? हर प्रकार के साधन, खाना पीना सब सहायक है। वो हमारे से बड़े हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। मेरे आधार से उनका एग्जिस्टेंस है और वैल्यू है। अगर मैं नहीं हूं तो वैल्यू कौन करेगा? यहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इंसान नहीं है तो उसको काट के फर्नीचर कौन बनाएगा? उनको यूज कौन करेगा? उनकी वैल्यू कौन करेगा? अपने आप तो वो नहीं कर सकते हैं। डायमंड अपने आप अपनी वैल्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आखिर सेंटर में हम है, ये बात समझनी पड़ेगी। इंसान है तो दुनिया है और आत्मा है तो इंसान है। नहीं समझ में आया? इंसान है तो दुनिया है और आत्मा है तो, अगर आत्मा ही नहीं रहा तो इंसान भी नहीं है और दुनिया भी नहीं है। तो ये उल्टी गंगा हो गई। दुनिया है तो हम है। आपने अभी जैसे बताया कि हम सर्कल की इम्पोर्टेंस करते हैं और आत्मा की नहीं, तो ये हम
कर्म फल के हिसाब से करते हैं, क्योंकि बचपन से हमने कभी आत्मा का सुना ही नहीं, तो ये कर्म फल है या हमारी अज्ञानता है? अज्ञानता है। तो इतने आत्मा भी है और कर्म फल भी है, मगर उसके बीच अज्ञानता होने के नाते हमने कर्म फल की वैल्यू किया। अगर ज्ञान होता है तो आत्मा की वैल्यू कर सकते हैं, मगर ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे? हाँ, तो दोनों है, दोनों में से एक भी चीज लाना नहीं है, मगर दूसरे का ज्ञान नहीं था तो उपयोग हाँ, कैसे होगा, वैल्यू कैसे होगी? तो हम ज्ञान नहीं था इसीलिए सर्कल की इम्पोर्टेंस। हाँ, वो अज्ञान है ना, सबकी जड़ अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। सबकी जड़ क्या है? अज्ञान है। तो इसीलिए हमने आत्मा की इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि अज्ञान था कर्म फल नहीं। अभी जानने के बाद भी अज्ञान है, क्योंकि वैल्यू सर्कल के अभी जाना हमने कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जान लिया। आज भी अज्ञान है, निकल गया। अगर निकल गया होता तो पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है। आज भी अज्ञान तो है, और ज्ञान जो है वो पाया हुआ है, संपूर्ण अनुभव में नहीं आया है। और इसीलिए कुदरत की हर एग्जाम को पास करना है। जो अज्ञानता के आधार पर खड़ी थी तो वो अज्ञान को निकालोगे उस अवस्था में, तब आप कुदरत के एग्जाम में पास होंगे। जैसे मैं कहूँगा कि ये रुमाल का मैं मालिक हूँ, ठीक है, तो कुदरत कहती है कि आप मालिक हो व्यवहार से, उसमें मैं मना नहीं करता हूँ, मगर आप इसके मालिक नहीं हो सकते हैं, यूज़र हो सकते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। यस और नो बोलते नहीं हैं। ये रॉ मटेरियल मेरा है और मेरे पास रहेगा, मेरा मतलब कुदरत के पास। ये रॉ मटेरियल कुदरत का है और बाद में भी कुदरत के पास, इसीलिए आप मालिक नहीं हो, यूज़र हो, मगर आप मालिक मानते हो, वो आपकी अज्ञानता है। और अज्ञानता का मतलब है आप कुदरती कानून को स्वीकार, लॉ ऑफ नेचर। तो कुदरती कानून को स्वीकार नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? कुदरती कानून। कुदरत ने क्या कहा? मैंने आपको दिया है, वो आपका पुण्य है, मगर यू आर ओनली यूजर नॉट ओनर। अगर आप मालिक बनोगे तो फिर राग द्वेष होंगे, यूजर बनोगे तो राग द्वेष नहीं होंगे। जहां तक है वहां तक उपयोग करोगे, जब चला गया, फट गया, टूट गया, ले लिया, उस समय आप यूजर नहीं हो, मगर ओनर नहीं थे तो राग द्वेष भी नहीं होगा। मगर ये मैंने खरीदा है तब से मैंने स्टैंप लगा दिया, आई एम अ ओनर। अभी ये टूट जाएगा, कोई ले लेगा, चला जाएगा, तो हमको राग द्वेष होगा, क्योंकि हम मालिक हैं। तो कुदरत कहती है आप कोई भी चीज का मालिक हो ही नहीं सकते हैं। ये मन वचन काया का भी मालिक नहीं है आप। ये पंचभूतों से बना है, वो पंचभूत भी कुदरत का है, और जलाने के बाद पंचभूतों में ही विलीन हो जाता है। कुदरत का कुदरत के पास ही रहेगा, तो आप मालिक नहीं हो, यूजर हो। राइट और रॉन्ग? तो मालिक हूं वो अज्ञानता है। क्या है मालिक? इसको त्याग करना वो जरूरी नहीं है, मालिक की भाव निकाल दो। आपको मिला है वो आपका पुण्य है, मगर ओनर के रूप में नहीं मिला है, यूजर के रूप में मिला है। समझ में आता है ना सबको? तो मालिक की भाव को मिटाना है, साधन को त्याग करने की जरूरत नहीं है। त्यागे सो आगे, क्या बताया? त्यागे सो आगे। त्याग से संसार है और वैराग्य से मुक्ति है। मैंने त्याग की परिभाषा बताई, एक व्यक्ति ने सब कुछ त्याग कर दिया, घर परिवार साधन संपत्ति सत्ता सब कुछ छोड़ दिया, और वो त्यागी बन गए, चाहे साधु कहो चाहे सन्यासी कहो, वो त्यागी बन गए। मगर उसके दिमाग में 24 आवर्स जो त्याग किया है उसकी वैल्यू है। क्या है वैल्यू? कि मैंने 2 करोड़ का मकान छोड़ दिया, 5 करोड़ की फैक्ट्री छोड़ दी, इतनी कैश, इतना डायमंड गोल्ड ज्वेलरी छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। आप समझे ना, सबकी वैल्यू है, इसीलिए उसको त्याग बोलते हैं। तो त्यागे सो, आज आपने सोच समझ के त्याग किया विथ वैल्यू, तो कुदरत आपको क्रेडिट देगी। क्या देगी? क्रेडिट। तो
तो त्यागे सो, तो त्याग वो संसार है, क्या है? वैराग्य से मोक्ष है। वैराग्य का मतलब हमारे पास सब कुछ है व्यवहार में, मगर मेरी दृष्टि में वैल्यू क्या है? तो जीरो है। तो राग भी नहीं रहेगा, द्वेष भी नहीं रहेगा। जो चीज है वो बढ़ेगी तो राग नहीं रहेगा, जो है वो कम हो जाएगी तो द्वेष भी नहीं रहेगा। आप समझे ना? क्योंकि वैल्यू क्या है? कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या बुरा व्यवहार करेंगे, मगर वैल्यू क्या है? तो राग द्वेष। तो वैराग्य से मोक्ष। वैराग्य का मतलब अपने विजन में वैल्यू क्या करना है। तो वैराग्य से मोक्ष है, त्याग से संसार है। तो हर बातों को समझने की जरूरत है। तो आज मैंने दो तीन बातें आपको नहीं कहा। सर्कल एंड सेंटर। सर्कल में मैं आत्मा हूं, बाकी सब सेंटर है। सर्कल में क्या हूं, सॉरी, सेंटर में मैं आत्मा हूं और सर्कल में सारी दुनिया है, अवस्थाएं हैं, मन वचन काया है, सब कुछ है। सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, सब किस में आ गया? सर्कल में। तो कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है। अभी वैल्यू सर्कल की है या सेंटर की है? सेंटर की, मगर करते किसकी है? तो जब जीवन का एंड होगा तो सर्कल में से कुछ साथ में, सेंटर ही साथ में आएगा, मगर उसकी वैल्यू नहीं। तो सेंटर की वैल्यू 1 है और सर्कल की वैल्यू 0। 0 का मतलब टेम्पररी, 0 का मतलब विनाशी, 0 का मतलब अवस्था के रूप। क्या बताया? अवस्था के रूप, सेंटर एंड सर्कल। फिर उसके आगे मैंने बताया कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम क्यों सेंटर की वैल्यू नहीं करते हैं? क्योंकि अज्ञान है, क्योंकि तो उनका प्रश्न था कि प्रतिष्ठित आत्मा जो है इसमें अज्ञान है, प्रतिष्ठित आत्मा में ही अज्ञान है। तो प्रतिष्ठित आत्मा सेंटर और सर्कल की वैल्यू समझता है? समझता तो वो है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व हमारी अज्ञानता से हुआ है, उनकी उत्पत्ति, और इनका अस्तित्व भी हमारे अंदर जब तक अज्ञान है वहां तक रहेगा। जब अज्ञान खत्म हो जाएगा तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व, फिर शरीर और आत्मा रहेगा। शरीर का अंत होगा और आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, तो कर्म, कर्म मन वचन काया से बनते नहीं है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन है, ये पुरुषार्थ का साधन नहीं है। ये मन वचन काया का मेकर कुदरत है। कौन है? ये बॉडी पंच महाभूतों से बनी है, तो पंच महाभूत किसका है? कुदरत का है। तो ये बॉडी का मेकर कुदरत है। शरीर को चलाने वाला कौन है और शरीर को अंत लाने वाला, शरीर की हर अवस्थाओं को बनाने वाला कुदरत है। यानी मन वचन काया वो कुदरती रचना है। कुदरत, कुदरत के कानून और कुदरती रचना। ये सब बातें अपने विजन में रखना है। क्या रखना है? इसको कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, समझ के साथ दृष्टि में रखो, ताकि कोई भी बात समझने में आपको क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ये दुनिया रिलेटिव सत्य के विजन से चलती है, रिलेटिव सत्य से नहीं चलती है, रिलेटिव सत्य के विजन से चलती है। और ये दुनिया सनातन सत्य की दृष्टि से समाप्त हो जाती है।